गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में दिया है गोपी की सूझबूझ। ये एक कहानी है, गोपी की मतलब सूझबूझ, मतलब गोपी की होशियारी, यही एक कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। एक मतलब राजा थे, राजनगर के एक राजा थे इंद्रपाल, उनका नाम था इंद्रपाल सिंह और उनका दरबार सजा हुआ था। सब मंत्री अपने अपने विभाग के समाचार सुना रहे थे और सभी मंत्री उस दरबार में अपने अपने विभाग का समाचार सुना रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं। तभी मतलब द्वारपाल के जो चौकीदार होते हैं, उन्होंने सूचना दी राजा को कि उनके पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं और दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को उन्हें दरबार में आदरपूर्वक बुलाकर लाने की आज्ञा दी और राजा ने द्वारपाल को मतलब उन्हें उस मतलब पंडित को बुलाने के लिए आदरपूर्वक बुलाकर लाने की आज्ञा दी। दरबार में आकर महाराजा को सिर झुकाकर पंडित जी एक ओर खड़े हो गए और दरबार में जब वो पंडित आए महाराज के पास तो सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने राजा इंद्रपाल सिंह को अपना नाम बलदेव बताया और उस पंडित का नाम बलदेव था और उसने राजा से बताया कि मेरा नाम मतलब बलदेव है। फिर अपने थैले से दो बोतलें निकालकर मेज पर रख दी, दोनों में सफ़ेद रंग का द्रव भरा था। और वो पंडित ने क्या किया कि अपने थैले में से दो बोतल निकालकर और मेज पे रख दिया और दोनों बोतल में सफ़ेद द्रव भरा था। देखने में एक सी थी, मतलब दोनों बोतल देखने में एक सी थी। बोतलों की ओर इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, महाराज इन बोतलों में से एक में दूध है। आपके दरबार के अनेक पंडितों का बड़ा नाम है। मतलब वो जो पंडित है वो बोले कि ये दोनों बोतलों में से एक बोतल में दूध है। तो वो बोले कि आपके दरबार में अनेक पंडितों का बड़ा नाम है, तो इनमें से कोई मुझे ये बता दे कि इसमें कौन सी बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। पंडित बोले कि अगर मतलब इस बोतल में से मतलब दोनों बोतल में से कोई बता दे, कोई भी पंडित, कि इसमें से कौन से बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। सभा में सन्नाटा छा गया, सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और क्या हुआ, जब ये सारी बातें पंडित की सुन के तो सभा में सन्नाटा छा गया और सभी लोग एक दूसरे की मुंह देखने लगे। राजा की ओर देखकर पंडित बलदेव कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी गोपी नाम की एक लड़की ने दरबार में प्रवेश किया। अभी पंडित राजा की मुंह की तरफ देखकर कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी एक गोपी नाम की लड़की दरबार में प्रवेश किया। गोपी ने महाराज को प्रणाम किया और बोली, महाराज मैं ये बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में। और वो जो लड़की गोपी आई वो महाराज को प्रणाम की और बोली कि महाराज मैं ये बता सकती हूँ कि किस बोतल में दूध है। अब पंडित बलदेव ने एक लंबी छड़ी गोपी के हाथ में देते हुए कहा, दूर से इस छड़ी के द्वारा छूकर बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। जब पंडित ने सुनी कि ये लड़की बता देगी कि किस बोतल में दूध है, तो पंडित बलदेव ने एक लंबी सी छड़ी दी और कहा कि दूर से ही खड़ी होकर और उस छड़ी के द्वारा बताओ कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने खुश होकर छड़ी ली और उसे एक बोतल पर रख कर बताया कि ये दूध वाली बोतल है। और गोपी ने उस छड़ी को, जो पंडित छड़ी दिए उसको ले ली और मतलब बोतल पर रख के बता दी कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने ठीक बोतल पर छड़ी रखी थी, पंडित बलदेव चकित रह गए। जैसे ही गोपी मतलब छड़ी रखी दूध वाले बोतल पे, अब पंडित चकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर योग्यता में बढ़कर है, वे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी लड़की ने उन्हें रोककर कहा, पंडित जी अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। तभी मतलब वो पंडित बोले कि ये बहुत मतलब ये राजनगर योग्यता से बढ़कर है,
कि और उसके बाद बोले कि मतलब कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो लड़की बोली कि नहीं, पहले आप बताइए कि किस बोतल में, दोनों में से किस बोतल में दूध है। तो गोपी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतलों को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दी। और गोपी ने क्या किया कि कुछ पल के लिए दोनों बोतल को चादर से छिपाकर और उसे वापस मेज पर रख दी। पंडित जी ने तुरंत ही छड़ी से एक बोतल की ओर इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल। इतना कहकर पंडित जी ने बोतल का अब जब पंडित जी ने मतलब जब वो गोपी पूछी कि इसमें से इन दोनों में से कौन सी बोतल दूध की है, तो वो पंडित जी इशारा से बोले कि ये बोतल दूध की है। इतना ही कहकर पंडित जी बोतल का ढक्कन खोला और राजा की हथेली पर दो बूंदे टपकाई। और वो पंडित ने क्या किया कि जो दूध बताया था कि ये दूध की बोतल है, तो उस दूध की बोतल की ढक्कन खोला और राजा की हथेली पे दो बूंद टपकाई। राजा ने जब उसे चखा तो उनका मुंह कसेला हो गया। थू थू करते हुए राजा ने नाराज होकर कहा, ये तो दूध नहीं है। अब पंडित बलदेव ने अपनी हथेली पर दो बूंदे लेकर चखी, उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। वह स्वयं बोल उठे, मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। अब राजा ने गोपी से पूछा, तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? जब राजा ने दूध की बूंदे मतलब चखा तो उनका मुंह मतलब कैसेला हो गया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो राजा बोले कि ये दूध नहीं है। तब उसके बाद पंडित आश्चर्यजनक हो गए और उन्होंने भी दूध को चखा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद पंडित स्वयं बोल उठे कि मैं हार गया। उसके बाद अब राजा पूछ रहे हैं गोपी से कि तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना। गोपी ने बताया, महाराज मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठ रही थी वही दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती। तो गोपी ने बताया कि महाराज मैंने देखा है कि मक्खी बार बार एक ही बोतल पे मतलब जो दो बोतल थे उस पर मतलब उन दोनों बोतल में से एक बोतल पे मक्खी बार बार बैठ रही थी। तो मुझे मतलब मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बैठ रही है वही मतलब दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि मक्खी को मतलब ये है कि दूध पे बैठ जाएगी। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ कि पंडित जी किस तरह धोखा खा गए। अब राजा ने पूछा गोपी से कि बताओ कि पंडित जी कैसे धोखा खा गए। महाराज चादर के भीतर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदे रंग वाली बोतल पर लगा दी। और उसने मतलब वो बोली गोपी कि महाराज मैंने क्या किया था कि चादर के भीतर जो दूध की बोतल से कुछ बूंदे रंग वाली बोतल पे लगा दी थी, जिससे मक्खी रंग वाली बोतल पर बैठने लगी। गोपी ने कहा, राजा ने गोपी को सूझबूझ की प्रशंसा की और अनेक पुरस्कार और उपहार देकर उसे विदा किया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से सभी मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है। अब चलिए अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। विभाग, विभाग मीन्स होता है प्रबंध, क्षेत्र या महकमा। सूचना, सूचना मीन्स होता है खबर। द्वारपाल, द्वारपाल मीन्स होता है पहरेदार। आदरपूर्वक, आदरपूर्वक मीन्स होता है सम्मान के साथ। द्रव, द्रव मीन्स होता है बहने वाली चीज़। सन्नाटा, सन्नाटा मीन्स होता है चुप्पी। उपस्थित, उपस्थित मीन्स होता है हाजिर। पुरस्कार, पुरस्कार मीन्स होता है इनाम। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। दिया है नंबर वन में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दिया है नंबर क में, राजा के दरबार में आकर पंडित बलदेव ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, राजा के दरबार में आकर पंडित बलदेव ने कहा कि दो बोतलों की ओर इशारा करते हुए पंडित ने दो बोतलों की ओर इशारा करते हुए वे बोले, इनमें से एक बोतल में दूध है। आपके दरबार के अनेक पंडितों का बड़ा नाम है, यदि इनमें से कोई मुझे ये बता दे कि कौन सी बोतल दूध की है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अन्यथा मेरी पंडितों की मेरी सेवा करनी होगी।
उसके बाद नंबर खा में देखिए, गोपी ने दूध की बोतल की सही पहचान किस प्रकार की। तो गोपी ने दूध की बोतल की सही पहचान ऐसे की क्योंकि जिस बोतल में दूध थी उस पे मक्खी बार बार बैठ रही थी। ग में देखिए, गोपी ने चादर के भीतर दूध की बोतल लेकर क्या किया। गोपी ने चादर के भीतर दूध की बोतल से कुछ बूंदे लेकर रंग वाली बोतल पे लगा दी, जिससे मतलब रंग वाली बोतल पे मक्खी बैठ रही थी, जिससे पता चल गया कि जिस पे मक्खी बैठ रही है वो रंग वाली बोतल है और जिस पे नहीं बैठ रही वो दूध वाली बोतल है। चलिए नेक्स्ट पेज में। घ में देखिए, गोपी की सूझबूझ का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा। गोपी की सूझबूझ का राजा पर ये प्रभाव पड़ा कि वो उसकी प्रशंसा किए, उसे उपहार दिए। उसके बाद नंबर टू में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में, सब मंत्री अपने अपने डैश के समाचार सुना रहे थे। तो अपने अपने विभाग के समाचार सुना रहे थे। उसके बाद ख में देखिए, दोनों बोतलों में सफ़ेद रंग का डैश भरा था। तो दोनों बोतलों में सफ़ेद रंग का द्रव भरा था। ग नंबर में देखिए, सब लोग एक दूसरे का डैश देखने लगे। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घ में देखिए, पंडित बलदेव ने स्वीकार किया कि राजनगर डैश में बढ़कर है, राजनगर योग्यता में बढ़कर है। नंबर थ्री में देखिए, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर में देखिए, राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था, ये क्या है, सही है। उसके बाद ख में देखिए, दरबार में महाराज की ओर तनकर पंडित जी खड़े हो गए, नहीं, क्योंकि वो सिर झुकाकर पंडित जी खड़े हुए थे। ग नंबर में देखिए, गोपी ने दूध की बोतल को पहचान लिया, सही। उसके बाद देखिए घ नंबर में, राजा ने जब बोतल का द्रव चखा तो उनका मुंह मीठा हो गया, नहीं। उसके बाद राजा ने गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा की, ये हम लोगों का सही है। उसके बाद देखिए फोर नंबर में, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर में देखिए, पंडित जी की बोतलों में किस रंग का द्रव भरा हुआ था। नंबर वन हरा, नंबर टू सफ़ेद, नंबर थ्री लाल। तो नंबर टू सफ़ेद। उसके बाद ख नंबर में, राजा ने गोपी को क्या दिया, उपहार, रुपए, सजा, क्या दिया, तो उपहार दिया। उसके बाद ग में देखिए, गोपी ने छड़ी से किस बोतल की ओर इशारा किया, शरबत वाली, पानी वाली, दूध वाली, दूध वाली। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोग व्याकरण है, भाषा बोध है। नंबर वन में, इनको और किन किन नामों से पुकारते हैं बताइए। जैसे मैं यहाँ पे नदी दिया है, तो नदी को और क्या बोलते हैं, नदी को नहर बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, मित्र को दोस्त बोलते हैं। तो ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद है, सोचिए समझिए और कीजिए। नंबर वन में, नीचे दिए गए चित्रों में 10 अंतर है, पता लगाकर उन पर गोला कीजिए। यानी कि ये दोनों चित्र दिया है, इसमें अंतर है और आप लोगों को गोला लगाकर गोला लगाना है। इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर टू में देखिए, बताइए कौन सी रेखा बड़ी है। तो ये भी आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। ख में देखिए, बताइए किस फूल के केंद्र का गोला बड़ा है, नाप कर पता कीजिए। आप लोग इसे घर पे बनाइएगा। उसके बाद देखिए, ये मौखिक है, ओरल है, इसे शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है द्वारपाल, इसे क्या पढ़ेंगे, द्वारपाल। ये उपस्थित, द्रव, सन्नाटा, प्रणाम, योग्यता, ढक्कन, पुरस्कार, अन्यथा, इशारा, शाबाशी, प्रशंसा। उसके बाद नंबर टू में देखिए, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर कॉपी में नोट करिएगा और इसे याद भी करते रहिएगा। और पीछे 5 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं तो उसे रिवीजन भी कर लीजिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर करिएगा इसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।